नमस्ते दोस्तों, डिजिटल इंडिया के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एसटीपी विथ इलेक्ट्रिक मोटर लेके आए हैं। आज हम इस मोटर के इस मशीन के माध्यम से हम आपको स्प्रे करके दिखाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रेशर इसका निकल के आता है, क्या आउटपुट इसका निकल के आता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं और टेक्निकल के बाद में इसकी हम असेंबलिंग देख लेंगे कि इसको असेंबलिंग कैसे किया गया है, और इन द एंड हम इसका डेमोंस्ट्रेशन आपको देंगे जिसमें कि हम आपको इसका स्प्रे करके बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने यहाँ पे 2 HP की मोटर लगाई हुई है। ये 2 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये 2 HP की मोटर है और ये सिंगल फेस मोटर है। साथ में ये ISO सर्टिफाइड मोटर लगी हुई है इसमें, और 1440 इसका RPM है। और जो नॉर्मली अपनी जो बिजली रहती है 220-240 वाट की जो अपनी बिजली रहती है, घरेलू बिजली, उससे ये चल जाती है और ये 12 एम्पेयर करंट खींचती है। और ये यहाँ लिखा हुआ है 50 बोले तो 50 हर्ट्ज, जो कि अपने घर की बिजली 50 हर्ट्ज की ही आती है, ठीक है। और ये 100% मेड इन इंडिया मोटर लगी हुई है इसमें। और अगर हम थोड़ा सा पंप के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो जैसा कि आप पंप का देख रहे हैं कि पंप में यहाँ पे 55 नंबर का पंप लगा हुआ है, ठीक है। जो कि अगर इसका सक्शन की बात करी जाए तो करीब करीब 30 लीटर से लेके 50 लीटर पर मिनट तक पानी खींचता है। और जो इसका प्रेशर रहता है वो 20 बार से लेके 40 बार तक इसका प्रेशर है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको पंप के बारे में दिखा देता हूँ कि पंप में यहाँ पे हमने ये पुली के माध्यम से इसको मोटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इधर इसके 3 आउटपुट दिए हुए हैं, 1, 2, 3 आउटपुट है। इधर ये इसका सक्शन पाइप है, ठीक है। सक्शन पाइप जो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है डायरेक्ट टंकी में फुटवॉल के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा ये रिटर्न पाइप है, रिटर्न पाइप को भी हमने डाल दिया है उसी टंकी में। होता क्या है कि जब भी हम इसका प्रेशर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, या प्रेशर एडजस्ट करते हैं या हम गन को बंद करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिटर्न पाइप से पानी वापस से टंकी में चले जाता है। अगर आपने प्रेशर को कम करा है तो जो एक्सिस पानी रहेगा वो रिटर्न पाइप के माध्यम से वापस से टंकी में चले जाएगा। या आप ये नोब देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं जैसे कि पूरा ये हेवी पंप है। साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये 3 SS के प्लंजर लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। तो इसको ट्रिप्लेक्स पंप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और 3 पिस्टन पंप भी इसी को ही बोलते हैं। नॉर्मली इसको STP बोला जाता है, ठीक है। और अब हम बिना समय गवाए आपको इसका डेमोंस्ट्रेशन देते हैं और देखते हैं कि क्या प्रेशर इसका निकल के आता है। अभी हमने यहाँ पे एक 100 मीटर का पाइप रखा हुआ है जो कि 5 लेयर का पाइप है, जैसा कि आप इस पे देख भी रहे हैं। ये लिखा हुआ है कोरियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 5 लेयर का पाइप। तो ये कोरियन टेक्नोलॉजी का 5 लेयर का पाइप है। अभी हमने ये इसमें जो डिलीवरी पाइप जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें हम इसको असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि ऑयल का पोर्ट दिख रहा है, तो इसमें ना 20W40 ऑयल डलता है। करीब करीब 1 लीटर के आसपास इसमें ऑयल आ जाता है। इसको आपने यहाँ से खोला, इसमें 20W40 इंजन ऑयल इसमें यहाँ पे डलेगा। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ग्रीस की केप दी हुई है। ये 3 ग्रीस की केप हमेशा इसमें ग्रीस भर के इसको फुल टाइट करना। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें ग्रीसिंग। ये देखिए, इसमें अभी पूरा ग्रीस भरा हुआ है, यहाँ पे भी भरा हुआ है। इसको हमेशा जब भी इसको टाइट करना है, जब भी यूज़ करना है, इसको फुल टाइट करना है तीनों इसको केप को, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। क्योंकि आप यहाँ प्लंजर में ये ग्रीसिंग देता है जिससे कि आपका ये प्लंजर ढंग से काम करता है। अगर ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो प्लंजर घिसा जाएगा, ठीक है। हमने इसमें ये ग्रीसिंग तो कर ही दी थी, ठीक है। अब हम इसमें ये ऑयल भी डाल रहे हैं। ये देखिए, ये 20W40, ये लिखिए, ये लिखा 20W40 ऑयल, ठीक है। हमेशा यही वाला ऑयल इसमें डालना है। और इसमें करीब करीब 1 लीटर आएगा, तो अभी हम ये पूरी की पूरी जो इसमें बॉटल है पूरी इसमें डाल देंगे। हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा के वापस से इसको टाइट कर देंगे
और जब तक इधर का कनेक्शन देख लीजिए, मोटर का हमने कनेक्शन एक स्विच बोर्ड के माध्यम से कर दिया है। तो हमने पूरी मशीन असेंबल कर ली है और ये 100 मीटर का पाइप भी हमने इसमें लगा दिया है और हमने इसमें ये एक हेवी गन लगा दी है और इस गन के माध्यम से हम देखते हैं कि इसका क्या प्रेशर निकल के आता है और ये कितने फिट तक का स्प्रे कर सकता है। ठीक है, अब हम बिना समय गवाए मशीन स्टार्ट करते हैं और इसका प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, अब हमने वहाँ पे मोटर चालू करवा दी है। ठीक है, और ये प्रेशर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि करीब करीब ये 30 फीट तक का प्रेशर ये फेंक रहा है इजीली। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारीक फुहार में भी करीब करीब 30 फीट तक इसका प्रेशर फेंक रहा है ये। ठीक है, प्रेशर में कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा प्रेशर फेंक रहा है ये। और प्रेशर बहुत ही बढ़िया प्रेशर है इसका। तो करीब अगर आपके पास आम का पेड़ है या संतरे का बाग है तो उसमें भी अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो इस मशीन के माध्यम से आप इजीली स्प्रे कर सकते हो। करीब करीब 35 फुट के आसपास इसका प्रेशर जा रहा है इजीली, और मशीन भी बिना लोड लिए इसका इतना प्रेशर इजीली फेंक रही है। ये देखिए, अगर अपन ने प्रेशर को बढ़ा देंगे तो प्रेशर और बढ़ जाएगा इसका। अभी तक हम 80% पे इसको 60% पे चला रहे हैं, फुल स्पीड पे नहीं चला रहे हैं, और अगर फुल स्पीड में चलाएंगे तो ये प्रेशर जो है और इसमें और बढ़ जाएगा। अगर मान लो आपको ज़्यादा जगह स्प्रे कर रहा है, वो स्प्रे फेल के हो रहा है और आपको फैला हुआ स्प्रे नहीं चाहिए, तो इसको ऊपर चढ़ा देंगे इसके कवर को, तो ये आपको एक जैसा स्प्रे सामने की साइड ही फेंकता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर ये आसपास स्प्रे नहीं फेंकेगा, वो पूरा का पूरा स्प्रे सामने ही फेंकेगा। स्प्रे में कोई समस्या नहीं, बहुत ही बेहतरीन स्प्रे है और इसके माध्यम से आप करीब करीब 35 फीट 40 फीट तक के बाग में मतलब पेड़ों में भी इसके माध्यम से आप इजीली स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं उनका। अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी का नाम ड्रिजल इंडिया है, जो कि इंदौर में स्थित है, और ये हमारे मोबाइल नंबर है 7389588101 और 7389079481। हमारा जो ऑफिस है वो देवशी टॉकीज, जैसे कि आप सामने दिख भी रहा है कि देवशी टॉकीज लिखा हुआ है, ये पुराना देवशी टॉकीज है, इसके जस्ट पीछे हमारा ऑफिस है जो कि लोहा मंडी में स्थित है। तो अगर आप देवशी टॉकीज तक आ जाते हैं लोहा मंडी में, तो जस्ट उसके पास वाली गली में अगर पीछे आएंगे तो आप हमारे ऑफिस तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप ये मशीन ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं या फ़ोन पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके भी इसका ऑर्डर को बुक करा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।